नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। छात्रा का हत्यारा गिरफ्तार, जंगल ले जाकर किया था मर्डर। डोंगरगढ़ में हुए 14 वर्षीय छात्रा की हत्या के सनसनीखेज मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया है। आज इस पूरे मामले का खुलासा राजनांदगांव SP प्रफुल्ल ठाकुर, एडिशनल SP नेहा पांडेय और SDOP कृष्णा पटेल ने किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना डोंगरगढ़ में 19 जुलाई की रात में 9वीं की छात्रा के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शिकायत दर्ज कर छात्रा की तलाश कर रही थी। इस बीच उसकी लाश 20 जुलाई को डंगोरा डेम के जंगल में मिली। इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को हत्या से जोड़कर इसकी जाँच शुरू की। मामला काफी सनसनीखेज था, इसलिए SP प्रफुल्ल ठाकुर के द्वारा खुद इस केस की मॉनिटरिंग की गई। SP ने एडिशनल SP नेहा पांडेय और डोंगरगढ़ SDOP को जांच कर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला, जिसमें छात्रा 19 जुलाई को एक युवक के साथ बाइक पर जाती हुई दिखाई दी। फुटेज में गाड़ी का नंबर और युवक का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। इस वजह से युवक की पहचान कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद भी एडिशनल SP नेहा पांडेय और SDOP कृष्णा पटेल ने तकनीकी टीम और एक्सपर्ट की राय से आरोपी की तलाश जारी रखी। इस बीच पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि CCTV में दिखाई दे रहा युवक ग्राम धार डोंगरगढ़ का रहने वाला है और उसका नाम छबील कुर्रे 22 वर्ष है। इस सूचना के बाद पुलिस ने संदेही के कॉल डिटेल के आधार पर उसका लोकेशन नागपुर में पाया गया। पुलिस की एक टीम को नागपुर रवाना कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और डोंगरगढ़ लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतिका छात्रा के साथ उसकी जान पहचान थी। पिछले 1.5 साल से वो नागपुर में रहकर काम कर रहा था और बीच बीच में अपने गांव आता तो छात्रा से मिलता भी था। आरोपी युवक को शक था कि छात्रा स्कूल में किसी अन्य छात्र के साथ बातचीत करती है और उससे उसका मिलना जुलना भी है। ये बात आरोपी को नागवार गुजरी और वो हमेशा छात्रा को स्कूल में अन्य लड़कों के साथ बातचीत करने के लिए मना किया करता था। छात्रा के द्वारा नहीं मानने पर आरोपी आक्रोशित हो गया और उसे जान समेत मारने की योजना बनाई। घटना वाले दिन वो डोंगरगढ़ में था और छात्रा से संपर्क कर उसको अपने साथ बाइक से डंगोरा डेम के जंगल ले गया था। यहाँ पर फिर से इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी अपने साथ लाए चाकू से छात्रा के गले को रेत कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में छात्रा की मौत हो गई। हत्या के बाद शव को वहीं छोड़कर चाकू को जंगल में ही छुपा दिया और फिर अपनी मोटरसाइकिल से नागपुर आ गया था। आरोपी के खिलाफ 363-302 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।